उछलती कूदती बच्ची ने मुझ में जान डाली है। समझ तो गए होगे बेटियों पे शायरी है। उछलती कूदती बच्ची ने मुझ में जान डाली है। अरे बेटियां तो रहमत हैं, क्यों लगती ये गाली है, और कई बार मुझे मौत के मुंह से घसीट के लाई है। उस नन्नी दुआ ने हर बला टाली है, जो लोग मुनसिफ नहीं हैं पता नहीं कैसे हैं, बस नाम के मुसलमान हैं ईमान के खाली हैं। कुछ लाइनें हैं कि अपने जिगर के टुकड़े को कोई काट के जुदा करता है, ये वही समझेगा जो बेटी को विदा करता है। और माफ़ करना कोई कसर रह गई हो तुम्हारी ज़रूरत में, बाप भी इंसान है थोड़ी तो ख़ता करता है। अब बेटी जवाब दे रही है, कह रही नन्नी परी को पाल के इतना बड़ा कर दिया। बाबा मैं तो रानी थी, मुझको ही जुदा कर दिया वो जो रुखसती के वक्त आपने दुआएं दी होंगी, उन्हीं दुआओं ने खुशियों से दामन भर दिया। आप रोना ना, मैं आस पास रहूँगी, हर बुरे वक्त में मैं साथ साथ रहूँगी। ये जानती हूँ कि आप प्यार बहुत करते हैं, मैं बेटी हूँ ना इसलिए दिखाने से डरते हैं। अब वक्त कभी भी अक्सर रहता नहीं, बहुत सी बातें बाप को कहता नहीं। बाबा वक्त भी एक वक्त को दगा देता है, पर बेटी का वो रिश्ता है जो ताउम्र वफा देता है। बेटी का वो रिश्ता है जो ताउम्र वफा देता है। अच्छा कुछ लाइन थे जो मेरी बेटी है कोमल उस पर लिखी थी कि मेरी प्यारी बेटी है ये, बाबा की ये रानी है, बातों में दादी अम्मा है वैसे पूरी नानी है। इतना तंग ये करती है, सोते हुए जगाती है, जब पूछो कि क्या हुआ तो कुछ नया सुनाती है। रात गए तक शहजादी को वैसे जागते रहना है, पूरे दिन में जो कुछ हो वो बाबा को ही कहना है। वैसे तो कुछ भी कह दो मलका भूल ही जाती हैं, जिस बात पे आप ताकीद करो बस वही सबको बताती हैं। बच्चों को आप जिस बात पे मना करते हैं ना कि ये बतानी नहीं है, वही बताते हैं सबको जाके। तो जिस बात पे आप ताकीद करो बस वही सबको बताती हैं। तल्ख हकीकत ये भी है कि छोड़ के मुझको जाएगी, आँखों में आंसू होंगे और याद बहुत वो आएगी, पर मेरी प्यारी बेटी है ये, बाबा की ये रानी है। कुछ लाइनें हैं कि बेटी हो बीमार तो डॉक्टर के पास जाना है। हम जो है बहू को बेटी नहीं समझ पाते ना, जहाँ से मसला ख़राब होता है कि बेटी हो बीमार तो डॉक्टर के पास जाना है। बहू हो बीमार तो रोज़ का है ड्रामा है, मसला हो बेटी का तो फौरन करो हल, मसला हो बहू का तो देखते हैं कल। बेटी देर तक सोए तो बच्ची रात भर जागी है, बहू सो जाए तो रोज़ का है आधी है, बेटी के यहाँ बेटी हो तो गुड़िया रानी है, बहू क्या हो जाए बेटी तो नस्ल भी तो बढ़ानी है। एक बार इस फतूर और धकोसले को मिटाकर देखो, बहू भी बेटी बन सकती है, बनाकर देखो। अब मुझे ना ये आज तक नहीं समझ आया कि कुछ लोग जब अपनी बीवी से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं या किसी लड़की से बदतमीज़ी कर रहे होते हैं, वो ये क्यों नहीं सोचते कि उनकी बेटी के साथ भी ये सब होगा। तो लड़कियों को इज्जत देने से मोहब्बत का मान का पता लगता है, चूते की नोक पे रखते हो गालियाँ देते हो तुम्हारे ख़ानदान का पता लगता है। तरबियत जो होती है वो आपके घर से होती है। जब किसी बाग में गुलाब लगता है ना, तो उसकी खुशबू सिर्फ उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर होती है, तो जो तरबियत होती है वो घर के अंदर होती है। बाहर जाके वो आप बताते हो कि ये जो खुशबू है ये गुलाब की है, यानी कि ये तरबियत जो है आपके माँ बाप की है। तो इसको ज़रा हो सकता है कुछ समझाने में कुछ मसला हो, लेकिन धीरे 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 जो है वो समझ आ जाएगा लोगों को। अपना ढेर सारा ख्याल रखें और इसी तरह लाइक करें, इसी तरह कमेंट करें। अच्छा जिसको जो भी इख्तलाफ है वो इख्तलाफ कर सकता है। हम एक इस्लामी जगह पे रहते हैं और वहाँ पे जो है वो आप कर सकते हैं जिसको जो भी इख्तलाफ है, लेकिन लाइक करें शेयर करें और इसी तरह साथ चलते रहें। अस्सलामुअलैकुम।